आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हाँ, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम पब्लिक और सरकार। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विधानसभा का माहौल क्या है, सरकार का माहौल क्या है, विपक्ष का माहौल क्या है, किसकी कितनी हवा है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जाड़ा बहुत तेज पड़ रहा है, कभी पानी बरस रहा है, कोहरा बड़ा भयंकर है, हवाएं तेज चल रही है, लेकिन चुनावी माहौल है तो जो पार्टी कार्यालय है उन सबके अगल बगल, उन सबके आसपास जो राजनीतिक पारा है वो बहुत गर्म है। मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं, ये जगह है दारुल शफा, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो एक दफे दारुल शफा के चक्कर लगा लीजिए। बहुत सारे नेता यहाँ पे आते हैं काम बनवाने के लिए, और आजकल तो बहुत आ रहे हैं कि शायद चुनाव में वो टिकट टिकट वाला मामला बन जाए, प्रत्याशी चुन लिए जाए, कोई पद वद मिल जाए, या फिर सरकार आ जाए तो काम बन जाए। यहीं से थोड़ी दूर पे आगे जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय भी है, बीजेपी का पार्टी दफ्तर भी है, मुख्यमंत्री कार्यालय ही आगे है। और बीते 4.5 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें माफियाओं के खिलाफ उनको जेल पहुंचाना, उनकी संपत्तियों को जब्त करना, बुलडोजर चलवाना, ये सारे फैसले यहीं आगे से लिए जाते हैं, यही लोकभवन है, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय से। और हम उससे थोड़ी दूर पे आए हुए हैं दारुल शफा पे, कई सारे छोटी मोटी पार्टियों के पार्टी कार्यालय यहाँ पे हैं, कुछ बड़े नेता कुछ छोटे नेता यहाँ पर बैठते हैं, बैठकी बनाते हैं, और विधायक निवास है, कई सारे विधायक रहते हैं अगल बगल इधर आगे जाके, और बाहर चाय की दुकानों पे सुबह से ही नेताओं का जो जमघट है वो लग जाता है, चर्चाएं शुरू हो जाती है कि माहौल क्या है। फिलहाल ये जो जगह है ये लखनऊ की मध्य विधानसभा में आता है, यहाँ से मौजूदा विधायक है ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री भी हैं, उनके कार्यकाल के बारे में भी हम जानेंगे और मौजूदा सरकार के कार्यकाल के बारे में भी हम जानेंगे। माहौल बन चुका है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे, सोच रहे कुछ चल रहा है, तो आइए चलते हैं इनके पास और पूछते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? हम तो फाजिलनगर विधानसभा कुशीनगर से आए हैं। कुशीनगर से आए हैं, तो यही रहते हैं लखनऊ? लखनऊ रहते हैं, वहाँ गाँव में भी रहते हैं, लखनऊ भी रहते हैं। अच्छा, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या माहौल है कुशीनगर का? कुशीनगर में तो सातों विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक बनेंगे इस बार। अच्छा। और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। अच्छा। समाजवादी पार्टी की सरकार, क्यों मौजूदा सरकार से खुश नहीं क्या? नहीं, कोई पब्लिक कोई जनता खुश नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार है, युवा बेरोजगार है, तो कैसे जनता खुश रहेगी आप बताइए। तो पहला ओपिनियन हमें मिल गया कि मौजूदा सरकार से कुशीनगर की जनता तो खुश नहीं है। ये कुशीनगर से थे, इस वजह से मैंने यहाँ का विधानसभा वार का जो रिजल्ट है उनसे नहीं पूछा, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। नेताजी कहाँ से आए हैं? कुशीनगर से। आप भी कुशीनगर से आए हैं? सब कुशीनगर से हैं क्या? नहीं, जगह जगह से। अच्छा, आप अलग जगह से? जी, मैं सिद्धार्थ नगर कपिलवस्तु विधानसभा से हूँ, और यहाँ पर जो है, यहाँ क्या करने आए? यहाँ पर अपने नेता कपिल वस्तु के सपा के प्रत्याशी होने जा रहे हैं कन्हैया प्रसाद कन्नौजिया जी के समर्थन में आए हैं। हाँ। तो यहाँ पे लेटर उटर टाइपिंग कराना था। अच्छा। तो हमने आपको देखा तो हम चले आए हैं। मैं आऊंगा आपके विधानसभा में, आपके जिले में आऊंगा तो मिलिएगा। आपका स्वागत अभिनंदन और वंदन है। हाँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। आप कहीं किसी भी जनता से आप पूछ लीजिएगा, जनता की आवाज है अखिलेश यादव जी, आपकी बात। ठीक है। तो दारुल शफा के बाहर मैं हूँ, और अभी जो शुरुआती जो दो लोगों से बातचीत हुई उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कमल खिलेगा, कमल नहीं माफ कीजिएगा अखिलेश यादव आएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर नेताजी लोग बैठे रहते हैं सुबेरे से आकर के,
नेताजी कहाँ से आए? आए तो हैं आजमगढ़ से। क्या माहौल है आजमगढ़ में चुनाव का, और उत्तर प्रदेश में क्या है माहौल चुनाव? बढ़िया माहौल भाई, मौजूदा सरकार से देखा था तमाकू बना दे भाई, तो जाता भाई बेइज्जती करवा दे भाई। कोनो बात नहीं, ये बतावा मौजूदा सरकार के काम में से खुश हवा है? मौजूदा सरकार के काम में से खुश हवा भाई? कौन खुशी है आप लोग के पता है कि भाई कितना लोग खुश हैं? आप लोग तो हम लोगों से ज्यादा लोग इंटरव्यू लेने, तो आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर मालूम होगी। योगी जी रिपीट मे बी पॉसिबल, पॉसिबल 90% पॉसिबल लग रहा है, लग तो रहा है, दूसरा कोई है नहीं ना टक्कर में? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोशिश तो सभी कर रहे हैं आने की, लेकिन जो अब तक की भाजपा की नीतियां हैं उसके अनुसार अंडर करेंट बहुत तेज है। कहां से हैं आप? मैं बलिया से हूं और सुहेलदेव जनता पार्टी का प्रमुख प्रदेश महासचिव। ये ओपी राजभर वाली जी? नहीं, ओपी राजभर जी तो वो खत्म कहानी है। और हम जो हैं आदरणीय संतलाल राजभर जी जो हैं आपके सामने जो हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा। जी तो बीजेपी का फाइनल हमने अपने 15 कैंडिडेट जो हैं मैदान में उतार दिए हैं और अभी और 15 उतारने जा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी कह रहे हैं आप, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ या आप जहाँ पर खड़े हैं, ये राजधानी लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट लगती है, यहाँ से मौजूदा विधायक ब्रजेश पाठक जी हैं, कानून मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, आप लखनऊ आते हैं, इस विधानसभा में आते होंगे, दारुल सफा आते होंगे, यहाँ टहलते घूमते होंगे, विकास हुआ? ऐसा है कि राजधानी है, विकास तो यहाँ होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि किसी भी राजधानी को प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी मदद देती है, तो विकास तो है बहुत कुछ, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है। तो आप कैसे कह रहे हैं 90% योगी जी? सवाल उसका है कि शहरी क्षेत्रों में जो है वो शहर की जनता तो आज त्रस्त है, तो वो तो भाग रही है, लेकिन देहात की जनता बल्ले बल्ले है। अच्छा, देहात की जनता जब जिससे खुश है तो जाहिर सी बात है भारत जो है कृषि प्रधान देश है और 90% आबादी आज भी देहातों में ही रहती है, मतलब फायदा है, बहुत फायदा है। ठीक है, चलिए, योजनाओं से खुश है सरकार की योजनाओं से, और जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि दारुल सफा कई सारी पार्टियों का गढ़ है, कई सारी पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ कर आकर अपना ठिया बनाते हैं, सुबेरे आके चाय पानी किया जाता है और सामने एक तो दुकान है, सारी पार्टियों का जो प्रचार सामग्री है वो इस दुकान पे है, बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी, सपा का भी, बसपा का भी, अपना दल का भी, जितनी पार्टियां हैं सबका जो प्रचार सामग्री है वो इस वक्त यहाँ पे बिक रही है, और चुनाव है तो माहौल भी बनाने की पूरी तैयारी करी जा रही है। और भी बहुत से लोग हैं ऐसे जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं इनसे, कुछ लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनसे बात किया जाता है। बाबा साहब में पोस्टर आप ले रहे हैं, बसपा के हैं क्या? नहीं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं, हम लोग मुस्लिम सेवा में अपना काम रोजगार करते हैं भैया। अच्छा। और हम लोग बाबा साहब को बहुत मानते हैं, इसी बिरादर हैं और बाबा साहब को ही। क्या माहौल है इस बार चुनाव का, खुश हैं आप लोग सरकार से? माहौल तो बीजेपी का ही दिख रहा है भैया, दिख रहा है जी। बीजेपी कह रही है कि शोषितों, वंचितों, ओबीसी वालों के लिए, एससी के लिए, दलित के लिए, सबके लिए अच्छा काम किया है, योजनाएं दी। किया किया, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल। कितने गांव में कितने लोगों की, भैया मैं बता दूं, गांव में बीजेपी ने जो करके दिखाया है वो कोई सरकार ही नहीं कर पाएगी। अच्छा। कोई सरकार क्या किया है बीजेपी ने गांव में? वो सरकार किया, काम किया है कि जो जब तक वो जब से जवान हुए और बूढ़े हो गए तब तक वो एक ईटा अपने अपने पैसों से नहीं खरीद पाते, बीजेपी ने उनको आवाज दे दिया, हर घर घर हर घर पर एक आवाज मिला है, गरीबों को जरूर, जो गरीब परिवार से है वो उसको आवाज जरूर मिला है। तो ये मायावती कह रही है या अखिलेश कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है और वो सब, तो सबसे अहम हिमायती खुद को बताते हैं। देखिए भैया, वो उनकी नीति है, वो अपना कुछ भी बोल सकते हैं, वो दूसरी पार्टी है, वो अच्छा विधानसभा से ही है, विधानसभा से ही है। मैं भैया यहाँ दुबग्गा में रहता हूँ, लखनऊ। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए। भाई साहब कहाँ से हैं? लखनऊ से जी, मैं रहने वाला गोंडा का हूँ, रहता लखनऊ में हूँ। कहाँ पे लखनऊ में? इंदिरा नगर में।
यहाँ पे कुछ काम वाम इसी तरह या बस पार्टी का घूमने टहलने? बताएं, चुनावी माहौल के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ की क्या रणनीति है, क्या तैयारियाँ हैं, सरकार से कितना। देखिए उत्तर, मेरा नाम इंद्र सिंह यादव, मैं एनसीपी का यूथ का स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ यूपी का। उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है, गांवों में बड़ा काम किया है, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल सफाया होने वाला है, कुछ मामला इस बार क्लियर नहीं है। देखिए ऐसा है कि अभी तो लड़ाई 50-50 की चल रही है, लेकिन इस बार जो है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का जुमला खत्म होगा। 2022 में उत्तर प्रदेश से सफाया होगा और 2024 में भारत से सफाया हो जाएगा, ये जुमला इनका खत्म हो जाएगा। काशी अयोध्या मतलब कारण मानते हैं आप? देखिए कारण ये है कि इनके सरकार में, इनके राज्य में हर कोई परेशान है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि गांवों में आवास दे दिया, गांवों में शौचालय दे दिया, किसान खुश है। देखिए किसान खुशहाल नहीं है, किसान, युवा, बेरोजगार, सारे लोग परेशान हैं, इनसे त्राही हैं। देखिए हमारे देश को, हमारे प्रदेश को शिक्षा, रोटी, रोजगार की आवश्यकता है। और मंदिर मस्जिद पे जो है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की जो राजनीति करते हैं, ये जुमलेबाजी इनका बंद होगा। हम सब अम्बेडकरवादी हैं, हम सब विचार की राजनीति करते हैं। आप अम्बेडकरवादी हैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती या चंद्रशेखर आजाद? नहीं नहीं, अम्बेडकर तो किसी एक के थोड़ी थे। ऐसा लोग तो कहते हैं सबसे बड़े हिमायती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अम्बेडकर जी किसी एक के नहीं थे, वो सबके थे। उन्होंने संविधान का रचयिता थे और वो सबके थे, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से सफाया होने जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। तो अलग अलग मत है सबका, अलग अलग तैयारियां हैं, अलग अलग रणनीतियां हैं। दादा बात ही नहीं करेंगे, चुनाव का माहौल है तो भी बात नहीं करेंगे, फिर कहते हैं कि मीडिया वाले सवाल नहीं पूछते और जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर माहौल क्या है। आइए और आगे चलते हैं, क्योंकि ये पूरी जो सड़क जाती है, ये यहाँ पर राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, स्ट्रांग रहती है। चाय की दुकानें हैं, कई सारी दुकानें हैं। लखनऊ मध्य का ये क्षेत्र है, यहाँ से बृजेश पाठक विधायक हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन इस बार जो माहौल बन रहा है, उस माहौल में बृजेश पाठक कितने बेहतर काम करते हुए दिखाई दिए हैं या क्या उनकी तैयारियां रही हैं? कुछ लोग और खड़े हैं, कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं। भाई साहब, मैं प्राइम टीवी से हूं, नितिन नाम है, और मैं इस समय लखनऊ मध्य का रिजल्ट जानना चाह रहा हूं, लखनऊ मध्य के बारे में जानना चाह रहा हूं, ये भी जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल क्या है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनावी तैयारी क्या है उत्तर प्रदेश में? आप लोग यूथ हैं, सरकार कह रही है कि युवाओं के लिए सबसे बेहतर काम किया है उन्होंने। भैया देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि युवा चाहता है रोज़गार, और इस टाइम पे जो सरकार, जो मौजूदा जो सरकार है, वो बेरोज़गार के नाम, मतलब जो रोज़गार के नाम पे जीरो है। किसी को रोज़गार, किसी भी लड़के को रोज़गार नहीं है। जितने भी लोग इंजीनियर हैं, आईटी सेल से पढ़े हुए हैं और जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन सबके पर रोज़गार किसी के पास में नहीं है और सब बेरोज़गार टहल रहे हैं। ये जो इलाका है या फिर ये जो जगह है, ये लखनऊ मध्य में आता है और यहाँ से मौजूदा विधायक हैं बृजेश पाठक जी, कानून मंत्री भी हैं, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने यहाँ से अपना किया है। आपको क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में या उनकी विधायकी में इस क्षेत्र का बेहतर विकास? भैया इस टाइम पे हमारे मध्य विधानसभा, मुझसे पूछेंगे आप, मैं मध्य विधानसभा क्षेत्र का ही कैंडिडेट हूँ, मैं मतलब मध्य विधानसभा में ही रहता हूँ। अब आप जो है किसी भी इंसान मध्य विधानसभा क्षेत्र में चले जाएंगे, आप किसी से भी पूछेंगे, किसी से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कोई भी विकास नहीं हुआ वहाँ पे। जिस तरीके से रोडें थी, ना रोडों का निर्माण हुआ, ना लोगों के घर, अभी जो अभी कोरोना काल चल रहा था, ना किसी के घर के अंदर जो भी बीमार थे किसी को हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं किया। अगर वहाँ की सरकार के विधायकों को फ़ोन किया जा रहा तो उन्होंने अपने मोबाइल तक के स्विच ऑफ कर लिया। हाँ, उस बीच में सिर्फ एक व्यक्ति था, एक आदमी था, एक वो चीज़ था, तो जितेंद्र सिंह जीतू, वो एक ऐसे आदमी थे। मैं कुछ दिनों पहले कचहरी की तरफ गया था, वहाँ भी जितेंद्र सिंह जीतू वाले लोग मिल गए थे। नहीं नहीं, जीतू भाई ने किया है काम। अच्छा, मुझे लग रहा है आप भी वकील हैं। नहीं नहीं, वकील तो हम हैं, वकालत से कोई मतलब नहीं कि वकील हो तो उनके बारे में। आप हमसे ये बात ना पूछ के आप पूरे मध्य विधानसभा। मैं आगे पूछूंगा और लोगों से। देखिए चाचा, कहाँ से हैं आप? वोट वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। काम कैसा चल रहा है आज? काम मतलब इस समय कुछ नहीं है, बेकार है। खाना पानी सब चल जाता है? अरे खाना पानी चलता होता तो फिर हम बेकार क्यों कहते, तब तो अच्छी बात थी। चुनाव का क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव का माहौल सही भाई। रिपीट करेगा,
अब ये तो हम नहीं बता सकते, पब्लिक ही बताएगी। योगी जी के काम से खुश हैं? काम से खुश हैं, ये तो हम मानते हैं बिल्कुल। आना चाहिए योगी जी? हाँ जी, क्यों आना चाहिए, आएंगे 100% आएंगे सर। दिया उन्होंने, हमें सब कुछ दिया सर, जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। हाँ, आवास मिल गया, शौचालय मिला सर, और जन आरोग्य का कार्ड बना, प्लस शौचालय मिला, प्लस घर में लाइट नहीं था हमारे गांव में, खाली बिजली पे खाली तार, बिजली लगा था, खंभा लगा था, 50-30 साल तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन उस पर सिर्फ हम लोग कपड़ा फैलाते थे। और अब तो सर, हाँ सर, माहौल है लग रहा है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं कि हमको नहीं मिला, हमको मिला, हमारी वाइफ को मिला, सबको, यानी सुविधा सब मिला, बहुत बेहतर है सर। ठीक है सर, बेहतर क्या चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग जो है ना, ये असली वोटर है, और इनके वोट पे ही सरकार बनती है, बिगड़ती है, कईयों का खेल चुनाव में खराब हो जाता है और कईयों का खेल अच्छा हो जाता है, सरकारें बन जाती हैं। धीरे धीरे जो दिन है वो निकल रहा है। भाई साहब, लखनऊ से ही आप लोग जी? यही रहते हैं, इसी विधानसभा जी। अच्छा, मैं ये निकला था जानने के लिए कि इस विधानसभा का हाल क्या है, या चुनावी माहौल क्या है, क्या तैयारियां इस बार हैं, क्या लग रहा है कि कुछ बेहतर हुआ या नहीं हुआ, सरकार रिपीट कर रही है या नहीं कर रही? इस समय सरकार तो रिपीट नहीं करेगी। अच्छा, क्या कारण आप मानते हैं? कारण क्या है? कारण बहुत है, बेरोजगारी इतनी हो गई, हर लोग परेशान है। उधर वो दो तीन लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि काम तो बंदा चल रहा है, लेकिन खुश है सरकार से? अब सरकार से खुश हैं, वो जो मंदिर में घंटा बजाने के लिए खुश होंगे वही लोग खुश हैं कि बाबा जी वही मंदिर का मुद्दा बन गया। आपको खुशी नहीं है? मंदिर से बनने से खुशी थोड़ी होती है, मंदिर तो बनता है, भगवान का आस्था का प्रतीक है, मंदिर बनता है सबकी आस्था होती है, लेकिन उसके साथ रोजगार भी लोगों को चाहिए, खाने को भी कुछ चाहिए। क्या हुआ है, GST ने कमर तोड़ दी, महंगाई इतना है, पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, आदमी खाना नहीं, क्या करेगा आदमी। इस विधानसभा में काम वाम बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, विधायक जी रिपीट करेंगे? इस विधानसभा में विधायक जी ने तो कोई काम ही नहीं किया है। इस विधानसभा में आपकी विधायक जी तो अगर ये रिपीट कर ये लड़ते हैं तो चुनाव जीतना मुश्किल है इनका। तो ऐसा भी है क्या, कारण क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कोई काम ही नहीं हुआ है तो कारण क्या है? वो तो सरकार में मंत्री रहे 5 साल, मंत्री हैं तो मंत्री जहाँ के होंगे, मंत्री अपने लिए काम कर रहे होंगे, मंत्री जी अपना खजाना भर रहे होंगे, सरकार खजाना भरेंगे, लोगों का कोई सुविधा हमको दिख नहीं रहे हैं उठते हुए। तो कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के काम से खुश हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बीजेपी के काम से खुश नहीं है, मौजूदा जो सरकार है वो रिपीट नहीं करेगी, और कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार ने इतना बेहतर काम कर दिया है, इतना अच्छा काम कर दिया है कि रिपीट करना बिल्कुल आसान है, कोई रोक नहीं सकता है उनको। आइए, क्या हाल है भाई साहब, ठीक ठाक चल रहा है? यहाँ बड़े नेता जी लोग आते हैं, क्या बतियाते हैं आपस में, क्या माहौल लगता है? सभी का माहौल लगता है मुझको तो, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। अच्छा, योगी जी का इस बार रिपीट करने का कोई सीन बन रहा है? लग तो रहा है। अच्छा काम किया उन्होंने? सही है, सभी अपना काम करते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, आप रहते कहाँ पे? यहीं पे रहते हैं। यहीं रहते हैं, यहाँ पे काम वाम हुआ आपको, कब से दुकान चला? दुकान तो 4 साल से हो गई। आपको लग रहा है कि 4 साल में धीरे 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 विकास हुआ यहाँ? हुआ है, थोड़ा बहुत तो हुआ ही। के काम से खुश है? सही है, सही है, बेहतर चल रहा है। इसको वोट देंगे? अब इसके बारे में तो उसी दिन बताया जा सकता है, अभी तो नहीं बताया। नहीं बताएंगे मुझे, वो तो छुपा हुआ रहता है हमेशा। वोट नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये है कि विधायक जी के काम से और सरकार से खुश बता रहे हैं खुद को ये, और कह रहे हैं कि सरकार रिपीट कर सकती है। भाई साहब, यहीं से हैं आप लोग, इसी विधानसभा से? मैं ये जानने निकला था जरा कि इस बार इस विधानसभा का हाल क्या है, विधायक जी का हाल क्या है, सरकार का क्या हाल है, रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। मिला जुला जवाब मिल रहा है, उधर से आया हूँ मैं दारुल शफा से, तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार रिपीट करेगी, बेहतर काम हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार रिपीट नहीं करेगी, विधायक जी ने भी कोई बेहतर काम नहीं किया, विकास नहीं हुआ। आपका क्या कहना? मेरे ख्याल से रिपीट तो नहीं करेगी। अच्छा ऐसा है? क्यों? कन्फर्म रिपीट नहीं होगी, पब्लिक को पता है क्या हाल है अंदर से, पब्लिक सब जानती है, चुनाव में बताएगी पब्लिक। क्या इस विधानसभा का क्या माहौल? विधानसभा में तो यहाँ से तो जो है जीतू भैया की उम्मीद है यहाँ से जीतने की। अभी तो वो अभी तो क्लियर भी नहीं हुए, वो टिकट तो उन्हीं को मिलेगा, अखिलेश भैया आएंगे। समाजवादी पार्टी का भी माहौल
बनते हुए राजधानी लखनऊ की इस मध्य विधानसभा सीट पे दिख रहा है। चाचा कैसे हैं? ठीक है? हाँ हाँ, हम लोग हैं जीतू यादव के साथ। सबके सब यहाँ पे एक अलग ही रणनीति में बैठे हुए हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कैसे। अरे भैया, काम वाम कैसा चल रहा है? बहुत ही बेकार भाई, उतना बेकार चल रहा। सरकार ने बैटरी रिक्शा बांटा था, कहा था कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? अजयगंज महिला थाने के पास, मध्य में। जी से खुश हैं? नहीं खुश हैं। जब हमारे पास कोई रोजगार नहीं, अभी 80-82 लाख रुपए का 1000 का लोन कराया, रिक्शा निकाला, 65,000 कैश दे गए, काहे के लिए खुश है? 2 साल से घर बैठ के कौन खाए हैं, 1 रुपया जेब से नहीं है, किसी कोई आगे दी से 2 साल बेरोजगारी में जिए हैं। वोट देंगे इस बार किसको? नहीं देंगे किसी। वोट किसी को नहीं देंगे? देंगे, अपने मर्जी से। बताइए किसको देंगे, हमें तो बता दीजिए। यादव जी को देंगे हम तो, यादव जी को, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को वोट देंगे? तो ये जो साइलेंट वोटर है, ये अपने लिए बड़ा काम करता है, सरकार के लिए बड़ा काम करता है, और यही सरकार बनाता, बिगाड़ता है, पलटता है। और नेताजी, नेताजी यहीं पे इसी विधानसभा में रहते हैं? मैं इसौली विधानसभा से हूँ, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जी, यहाँ इसमें दारुलसफा? नहीं नहीं, इसौली विधानसभा सुल्तानपुर का रहेगा। सुल्तानपुर से यहाँ कहाँ रहते हैं? इसी तरह यहाँ नहीं रहता हूँ मैं, टहलने नहीं, मैं आवेदक हूँ, इसौली विधानसभा से टिकट मांग रहा हूँ। किस पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी से। सपा के लिए टिकट मांग रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है इस बार? अच्छा, आप तो सपा के हैं तो आपको तो लग ही रहा होगा माहौल, तो ही रहे हम 300 पार। नहीं तो आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है, अच्छा काम हुआ है। देखिए, शहर के लोग तो हमेशा बीजेपी की बात करते रहे, लेकिन जब गांव में जाएंगे आप तो वहां देखेंगे कि क्या हुआ है। सड़कें अभी भी गड्ढे में पड़ी हुई हैं, और किसानों के खेत जो है सांड चल जा रहे हैं, छोटा जो नीलगाय से बच्चा था उसको सांड चल जा रहे हैं, किसान भी परेशान है। और गैस, पहले तो उज्ज्वला नाम दिया, उसके बाद फिर 1000 उसको कर दिया, लोग परेशान हैं कि पहले फ्री दे करके परकाया, उसके बाद जो है हम लोग परेशान हैं, तो सब परेशान हैं इससे जी। लग रहा है इस बार माहौल है समाजवादी पार्टी, बिल्कुल जानवरों से ज्यादा परेशानी, गाँव में तो सबसे ज्यादा जानवर से परेशानी हुई, किसानों में, बाराबंकी से। बाराबंकी में कुछ दिन पहले गया था अभी, तो वहाँ पे लोग बता रहे थे, ये समस्याएं बता रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि जो सरकारी राशन मिल रहा है या सरकार की तरफ से बाकी जो योजनाएं चल रही है उससे खुश है। नहीं नहीं, वो मार्च तक चल रहा है, या हमेशा अगर 1 साल तक चलता है, पहले चलता है तो मार्च तक केवल चुनावी स्टंट है, इसकी वजह से गांव में ये भी संदेश है जी। तो मध्य विधानसभा का रिजल्ट कुछ मिला जुला ही है, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी रिपीट कर सकती है, और कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी कम माहौल बनाए। लेकिन हाँ, अहम यहाँ पर यह बात है कि उत्तर प्रदेश में और भी कुछ राजनीतिक दल हैं, बसपा, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, आपकी कांग्रेस, उसने भी उत्तर प्रदेश में एक लंबा शासनकाल किया है, और इस बार तो बेटियों के नाम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ रही है, प्रियंका गांधी सक्रिय हैं, लोग उनका नाम नहीं ले रहे हैं। दो ही पार्टियों का माहौल बना हुआ है, और जिसके लिए हम लोग पहले से भी बात करते आए हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच में ही चुनाव है। और जिस तरह से यहाँ पे लोगों से बात हुई, ज़्यादातर का ये कहना है कि बीजेपी ने बेहतर काम किया है, रिपीट हो सकती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का बेहतर काम है, वो रिपीट कर सकती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस विधानसभा में जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, ये चीज़ पूरी तरह से निकल के नहीं आई है कि आखिर माहौल किसका कितना बना हुआ है, और ये भी कह पाना मुश्किल है कि इस बार सरकार कौन बना रहा है, क्योंकि जो फाइट है वो बिल्कुल नेक टू नेक है, और इस नेक टू नेक की फाइट में रिजल्ट पहले से, पॉसिबिलिटीज पहले से बता पाना ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, मौजूदा सत्ता दल ने पिछली बार 325 सीट जीती थी, शहर की ज़्यादातर सीट इस लखनऊ ज़िले की, लखनऊ राजधानी की ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनका जो गणित है वो बताता है कि हाँ, कुछ पॉसिबिलिटीज़ बेहतर हैं, लेकिन फाइट बहुत तेज़ इस बार बनी हुई है। फिलहाल आपने आज के इस कार्यक्रम में और मध्य विधानसभा राजधानी लखनऊ, यहाँ पर जो चुनावी गणित, चुनावी समीकरण जानने की कोशिश हमारी टीम ने की है,
उस कार्यक्रम में अब हम विराम लेंगे और इसी तरह से अलग अलग विधानसभाओं का और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का आपको रिपोर्ट कार्ड देते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।